जिस शख्स को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने काला जैकेट पहना हुआ है, इसका नाम दीपक है और ये पूना स्थित पिंपरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहां पर इसने एक घटना में, जो कि 40 लाख की फिरौती और मर्डर करने की घटना है, उसमें इसने अपहरणकर्ताओं की मदद की और जो फिरौती के 40 लाख रुपए थे वो उन्हें लाकर सकुशल दिए और अपहरणकर्ताओं ने दीपक को 2,50,000 रुपए देकर वहां से भाग जाने के लिए कहा, जिससे 8 फरवरी से दीपक अपने मामा के घर गांव थाना कला तहसील खरकोदा जिला सोनीपत हरियाणा में आकर छुप गया था, जिसे पिंपरी पुलिस व खरकोदा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 1,90,000 रुपए भी बरामद किए गए। और अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं पिंपरी थाना के केस इंचार्ज शेखर से, उनका इस बारे में क्या कहना है। बताइए। मेरा शुभ नाम शेखर भास्कर कुलकर्णी, पुलिस हवलदार 312 बक्कर नंबर, पिंपरी पुलिस स्टेशन, पिंपरी पुलिस स्टेशन सीआर नंबर 10721, आईपीसी कलम 302-364-34 व पिंपरी पुलिस, पिंपरी के हाथे में चिट फंड है, FFI चिट फंड है। चिट फंड के मालिक आनंद साबरा, उन्होंने उनको 3 तारीख को पिंपरी से उनके घर के नीचे से किडनैप किया गया। किडनैप करके बाद उनके पास से 40 लाख रुपए लिए, फिर भी उनका 4-5 तारीख को मर्डर किया। पैसे लेने के लिए जो आदमी गया था उसका नाम दीपक चंडालिया, वो पिंपरी में रहता है, उसका गांव खरगोदा है। हमने चौकी के दरम्यान हमको मालूम किया कि वो दीपक गांव में मामा के यहाँ खरगोदा में आया है, इसलिए हम खरगोदा आए। खरगोदा पुलिस स्टेशन के स्टाफ को लेके उनके मामा के घर गए, मामा के घर से उसको लेके पुलिस स्टेशन आए। अभी उसके पास चौकी तपस चालू है, तपस में उसने बोल दिया कि उसको फिरौती के 2.5 लाख रुपये दिए गए। अब यहाँ से उसको गिरफ्तार करके पुणे लेके जाएंगे, बाकी का आरोपी का तपास करेंगे। सर, जिसने ये किडनैप किया दीपक ने, उसका क्या काम था, क्या करता था वो? दीपक का पिंपरी में रसवंती गुहा है, जो गन्ने का रस निकलते है उसका गुहा है वो था। और सर, जो आनंद थे जिनका मर्डर हुआ है, वो क्या काम करते थे और किस कारण से उनका मर्डर हुआ है, क्या कुछ? वो चिटफंड चलाते थे, वो चिटफंड के मालिक थे और उनका खाली पैसे के लिए अपहरण किया गया। जो इसमें एक बंदा सर और बताया गया कि प्रभु नाम का बंदा, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्या कुछ ऐसा मामला था? वो प्रभु उनके लिए काम करता था, उसने कोई पैसे का अफरा तफरी करके किया था, इसलिए उतने आनंद होने को उसको काम से निकाल दिया 6 महीने पहले। तो काम से जो निकाला गया, जो सैलरी की वजह बताई गई, क्या उसी कारण से उनका मर्डर हुआ? यस, उसी कारण से उनका मर्डर हुआ। अभी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी इसमें? आगे अभी 4 आरोपी जो है, प्रभु पुजारी जो मेन है, जिसने प्लान किया, वो अभी तक मिला नहीं, उसका तपस चालू है। किस तरह से आनंद जी का मर्डर किया गया इसमें? इलेक्ट्रॉनिक वायर से उनका गला दबाया और उनके सिर पे तलवार से वार किया। जो फिरौती के 40 लाख रुपए लिए गए, वो किस तरह से मांगे गए रुपए इनसे? आनंद, उन्होंने मैनेजर को फोन किया कि ऑफिस में जितना पैसा है वो लेके आओ। ऑफिस में 40 लाख था, 40 लाख लेके आनंद के उन्होंने के गाड़ी में रखा, गाड़ी के चाबी उन्होंने के पास था, उनके पास से चाबी दीपक ने लिया। दीपक 4 तारीख को आया आनंद उन्होंने घर के पार्किंग में से गाड़ी खोल के पैसा लेके गए। तो सर, जैसे दीपक को 2.5 लाख रुपए मिले, उसके बाद क्या दीपक फरार हो गया था? दीपक फरार जाने की तरह गया, खरगोदा हरियाणा में आ गया। तो जैसे अभी दीपक को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कौन कौन सी टीम आपके साथ थी? हमारे टॉप मेरा कलीग है उमेश वानखड़े करके, और हमारे पी आई साहब लगातार हमारे फोन पे कॉन्टेक्ट पे, हमारे खरगोदा के हरियाणा के जो SP है, खरगोदा के SP, उनसे कॉन्टेक्ट में है। खरगोदा
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।